गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट इसके पहले पीवी पीरियड में आपने बहुत सारे गेम्स सीखे हैं, खेले हैं। आज के पीरियड में हम लोग एक न्यू गेम, डिफरेंट गेम सीखने वाले हैं, खेलने वाले हैं। वो गेम का नाम है 10-पिन बॉलिंग। 10-पिन बॉलिंग ये गेम खेलने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगता है वह हमको पहले देखना है। इक्विपमेंट में पहला बॉल पिंस लगता है। आपके सामने पिक्चर में बॉल पिंस दिख रहा है। ये बॉल पिन का साइज़ क्या होता है वह हम देखेंगे। ऐसे 10 बॉल पिंस होते हैं टोटल। वो ये बॉल पिन का साइज़ है 15 इंच इन हाइट, हाइट 15 इंच होता है, वाइड 4.7 इंच होता है। उसके बाद ये बॉल पिन का वेट 3 लैप्स होता है। 3 लैप्स मीन्स 1 kg अबव। उसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट है बॉल। अभी आपके सामने बॉल दिख रहा है। अभी ये बॉल का मेजरमेंट हमको देखना है, बॉल कौन से मटेरियल से बना हुआ रहता है और उसका साइज़ क्या होता है। बॉल रबर और प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। ये बॉल को आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, एरो से दिखा है, 3 होल होते हैं बॉल के ऊपर। उस होल में आपने हाथ के 3 और कुछ फिंगर्स उसमें जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो कौन से 3 फिंगर में मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड थंब, ऐसे फिंगर उसमें जा सकते हैं, बैठ सकते हैं होल में। उसके बाद ये बॉल का वेट 7.5 kg होता है, मीन्स 16 लैप्स होता है। उसके बाद हमको देखना है, अभी ये इक्विपमेंट हम लोग ने देखा है बॉल पिंस और बॉलिंग बॉल। उसके बाद अभी ग्राउंड कैसे होता है वह हमको देखना है। ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है, आपके सामने अभी ग्राउंड दिख रहा है। ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है वो भी सामने दिख रहा है, मैं बताता हूँ। ग्राउंड मेजरमेंट 16 फीट मीन्स 18.29 meters, 29 meters फ्रॉम द फाउल लाइन टू द सेंटर ऑफ द हेड पिन विथ गाइड एरो अबाउट 15 फीट मीन्स 4.57 meters। उसके बाद वाइड होता है, ग्राउंड का मेजरमेंट वाइड में 1.05 meters होता है वाइड। उसके बाद आपके सामने अरेंजमेंट कैसे होता है बॉल पिंस का वो अभी आपके सामने दिखेगा। पिक्चर में बॉल पिंस अरेंज इस प्रकार होता है, देखो 10 बॉल पिंस है, अरेंज ऐसे होता है। उसके बाद स्कोरिंग कैसे होता है बॉल पिंस, 10 पिन बॉलिंग में, ये गेम में स्कोरिंग कैसे होता है। स्कोरिंग में स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक और स्पेयर होता है, ये दोनों का ही स्कोरिंग होता है। ये स्कोरिंग के पॉइंट्स रहते हैं। स्ट्राइक होगा तो 30 पॉइंट्स होते हैं और स्पेयर होगा तो 10 पॉइंट्स होते हैं। इस प्रकार स्कोरिंग होता है। अभी हमको देखना है रूल्स। ये गेम का अभी पूरा हम लोग ने
मेजरमेंट, इक्विपमेंट, स्कोरिंग क्या होता है, सब देखा है। अभी ये गेम कैसे खेलना है विथ रूल्स, वो हमको सीखना है, देखना है। रूल्स, रूल्स नंबर वन फॉर स्ट्राइक एंड स्पेयर। स्ट्राइक और स्पेयर के लिए पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स हैं वो आपको पता चला ही है, मगर स्ट्राइक और स्पेयर के साथ रूल्स, विथ रूल्स कैसे खेलते हैं वो देखना है। अभी देखो, फर्स्ट रूल, फर्स्ट बॉल में सभी बॉल पिंस गिरेंगे तो उसको स्ट्राइक बोलते हैं, और ऐसे पिंस गिरेंगे तो स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक को 30 पॉइंट्स होते हैं। सेकंड रूल, सेकंड रूल में अगर आपके पहले बॉल में सभी बॉल पिंस नहीं गिरेंगे और सेकंड बॉल में बाकी सब गिरेंगे तो उसे स्पेयर कहते हैं। आप समझ गए, सेकंड बॉल में, पहले बॉल में अगर पूरे बॉल पिंस नहीं गिरेंगे मगर सेकंड बॉल में जो बचे हैं सभी बॉल पिंस गिरेंगे तो उसको स्पेयर बोलते हैं, और ऐसा स्पेयर होगा तो उसको 10 पॉइंट्स होते हैं। अभी नेक्स्ट रूल है नंबर 3, अगर पहले या दूसरे बॉल में सभी बॉल पिंस गिरेंगे तो उसे एक फ्रेम बोलते हैं, सभी बॉल पिंस गिरेंगे तो वन फ्रेम हो गया, ऐसा बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है, ऐसे फ्रेम अगर 10th फ्रेम हो गया और 10th फ्रेम में 10वां फ्रेम हो गया तो स्ट्राइक होगा, तो 10वें फ्रेम में स्ट्राइक होगा तो 2 बॉल एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो हम लोग फ्रेम जो करते हैं 1, 2, 3, ऐसे 10th वाला फ्रेम में अगर स्ट्राइक होगी तो 2 बॉल एक्स्ट्रा मिलते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर प्लेयर का पैर फाउल लाइन के आगे गया तो फाउल होता है और उसे बॉल पिंस के पॉइंट्स काउंट नहीं होते। आप समझ गए, इस प्रकार ऐसे रूल्स हम लोग 10 पिन बॉलिंग ये गेम में विथ रूल्स ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। उसमें विन कैसे होता है, 10 फ्रेम में जिसको पूरे 10 फ्रेम उनको करने का रहता है, प्लेयर को पूरा 10 फ्रेम होने के बाद जिसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं वही विन होता है। इस प्रकार हम लोग ने आज एक डिफरेंट गेम सीखा है, खेला है, वो गेम का नाम है 10 पिन बॉलिंग। ये गेम आपको समझ में आया ही होगा, और आप ये गेम खेलना है, आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा वैसे आप ये गेम खेलना है। धन्यवाद।